एक दिन गौतम बुद्ध ने एक दुखी व्यक्ति को देखा। गौतम बुद्ध को देखकर वह दुखी व्यक्ति बुद्ध के चरणों में आकर गिरकर अपने दुख दूर करने का उपाय जानना चाहता था। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाकर बैठाया और बोले, तुम व्यर्थ में चिंतित हो रहे हो, सुख दुख हमेशा नहीं रहते। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, अगर तुम इस कथा को ध्यान से सुनते हो और अपने ऊपर अमल करते हो तो तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा। किसी नगर में एक सेठ रहता था। वह बड़ा ही उदार और परोपकारी था। उसके दरवाजे पर जो भी लोग आते हैं वह उसे खाली हाथ कभी जाने ही नहीं देता था और दिल खोल कर उसकी मदद करता था। एक दिन उसके यहाँ एक आदमी आया। उसके हाथ में एक पर्चा था जिसे वह बेचना चाहता था। उसके पर्चे पे लिखा था, सदा ना रहे और भला इस पर्चे को कौन खरीदता। लेकिन सेठ ने उस पर्चे को तत्काल खरीद लिया और अपनी पगड़ी के एक छोर में बांध लिया। नगर के कुछ लोग सेठ से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने एक दिन राजा के पास जाकर उसकी शिकायत की, जिससे राजा ने सेठ को पकड़वा कर जेल में डाल दिया। जेल में काफी दिन निकल गए। सेठ बहुत दुखी रहता था, क्या करे, उसकी समझ में कुछ आ ही नहीं रहा था। एक दिन सेठ का हाथ पगड़ी की गांठ पर पड़ जाता है। उसने गांठ को खोलकर पर्चा निकाला और उसको पढ़ा। पढ़ते ही उसकी आंखें खुल गई। उसने मन ही मन कहा, अरे दुख किस बात का, जब सुख के दिन सदा ना रहे तो दुख के दिन भी सदा नहीं रहेंगे। इस विचार को आते ही वह जोर जोर से हंस पड़ा और बहुत देर तक हंसता रहा। जब चौकीदार ने उसकी हंसी सुनी तो उसे लगा कि सेठ दुख के मारे पागल हो गया है। उसने राजा को यह खबर तुरंत पहुंचा दी और तुरंत राजा यहाँ पर आ गए और राजा सेठ से पूछता है, क्या बात है। सेठ ने राजा को सारी बात बता दी। उसने कहा, राजन आदमी दुखी क्यों होता है, सुख दुख के दिन तो सदा बदलते रहते हैं। सुख और दुख यह दोनों जीवन के दो पहलू हैं। यदि आज सुख है तो हो सकता है कि कल हमें दुख का मुंह देखना भी पड़े। यह सुनकर राजा को बोध हो गया और उसने सेठ को जेल से निकलवा कर उसे घर भिजवा दिया। सेठ आनंद से रहने लगा क्योंकि उसे ज्ञात हो गया था कि सुख के साथ साथ दुख के दिन भी सदा नहीं रहते। यह कथा सुनकर उस व्यक्ति का मन भी हल्का हो जाता है और उसने गौतम बुद्ध का आशीर्वाद लिया और अपने घर की ओर चल दिया। दोस्तों, आज के समय में मनुष्य अपने दुख से दुखी नहीं होता बल्कि दूसरों के सुख से दुखी होता है। संतोष सुख का कारण है और उतावलापन दुख का। सुख और दुख केवल मन की अनुभूतियां हैं। अगर हम इन परिस्थितियों में प्रसन्न रहे तो अभाव के बीच भी हम सुखी रहेंगे। और इस कहानी से यह भी पता चलता है कि अगर हमारी जिंदगी में सुख आते हैं तो दुख भी एक ना एक दिन निश्चित ही आएंगे। लेकिन जिस प्रकार सुख के दिन सदा नहीं रहते हैं उसी प्रकार दुख के भी दिन सदा नहीं रहते हैं। इसलिए दुख के समय हम लोगों को अपने आप को खोना नहीं चाहिए बल्कि डटकर उसका मुकाबला करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको गौतम बुद्ध का ये उपदेश कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।